अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज जो मैं आपके पास प्रोडक्ट लेके आया हूँ, उसका नाम है बॉडी बिल्डो कैप्सूल। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इससे क्या यूज़ेस, अगर हम बात करें ना यूज़ेस की तरफ, तो इससे क्या यूज़ेस हो सकते हैं। तो यार वो अफराद जो बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो चाहते हैं कि वो मोटा होना चाहते हैं, तो उनके लिए बस ये कोर्स है। अगर ये अपना कोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं तो उनका जो है ना, वो जो चाह रहे हैं हेल्दी होना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे। और दूसरे वो अफराद जिन जो ये चाहते हैं उनकी बॉडी का प्रॉपर शेप भी बने और वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनके लिए भी बेस्ट कैप्सूल है। अगर वो इसे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग, मतलब साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और ये कैप्सूल का कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो जैसी वो शेप चाह रहे हैं वैसी ये बनाने में मदद करता है। दूसरी बात ये, अगर हम बात करें ना इसकी डोजी फॉर्म, तो डोजी फॉर्म आपने प्रॉपर डॉक्टर से रिकमेंड करके ही यूज़ करनी है। क्योंकि खास तौर पे आजकल जो चल रहा है कि किसी कहने पे आप टैबलेट्स वगैरह कैप्सूल वगैरह यूज़ कर लेते हो और उसके बाद बेतहाशा से साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। जब साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं तो क्या होता है, फिर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना करवाते हो। उससे बेहतर ये है कि पहले ही आप प्रॉपर डॉक्टर से रिकमेंड करके फिर ही टैबलेट यूज़ किया करें। जैसे आप ये कैप्सूल हैं तो इसका जो कोर्स है वो आपने पूरा कम्प्लीट करना है, और जैसे डॉक्टर ने आपको बताना है उस हिसाब से आपने डोजेज फॉर्म यूज़ करनी है, साथ ही जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ करें आपको उसका फ़ायदा हो। एक बॉटल की बात करें तो उसमें 30 कैप्सूल होते हैं, इट्स मीन एक मंथ की टैबलेट्स होती हैं। अगर आपने कैप्सूल अगर 3 मंथ का कोर्स है तो 3 मंथ की कैप्सूल आपने ले लेने हैं, पर मंथ आपने यूज़ करनी है। इतनी महंगी नहीं होती प्रॉपर, बस अगर आपने पर ये देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, प्योर हो, ये ना हो, क्योंकि आजकल मार्केट में कॉपी भी बहुत आ जाती है जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए इससे आपने खास ख्याल रखना है। अब अगर हम बात करें साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें वॉमिटिंग आ सकती है, स्टमक अपसेट हो सकता है, लेकिन अगर यही चीज़ आपके बड़े लंबे अरसे तक चलना शुरू हो जाए तो छोड़ दें कैप्सूल को, प्रॉपर डॉक्टर से रिव्यू करें कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं इसे कंटिन्यू रखूँ या इसे मैं छोड़ दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो से लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।